हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जो क्लास 8 से आप यूपीएससी तक यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आसानी से बना सकते हैं। जैसे 99 गुना 43 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 43 है तो इसको एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 43 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 एक कम कर दिए। अब इसमें कितना जोड़ेंगे जो 99 आ जाएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 2 में क्या जोड़ेंगे, 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने से देख सकते हैं ट्रिक, यहाँ पे कैलकुलेटर में बना के देख सकते हैं। ये भी देखिए, 999 गुना 347 है तो क्या है, यहाँ 346 करेंगे। अब यहाँ पे जोड़ के 3, 4, 6 में जोड़ेंगे जो 9 पूर जाना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 3 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 में क्या जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, 4 4 है तो यहाँ 1 2 3 4 है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 3। अब इसमें कितना जोड़ेंगे जो 9 9 आ जाएगा, तो 1 में कितना जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 6, ये आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखना है। देखिए, यहाँ 87 है तो इसके पहले क्या लिखेंगे, एक 0 लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे 8 और 6, एक कम करके लिखना है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे जो 9 आ जाएगा, 0 में कितना जोड़ेंगे, 9, तो 9 आएगा, 8 में कितना जोड़ेंगे, 1, और 6 में कितना जोड़ेंगे, 3। तो चलिए देखते हैं आगे ट्रिक। अगला ट्रिक देखते हैं, 98 गुना 52 से करना है, 98 गुना 43 से करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना दिया गया, 52, तो यहाँ लिखेंगे 52 और 00 करेंगे, यही संख्या का 2 करेंगे। यहाँ पे 100 से कम है तो यह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे आ जाएगा 104। इसमें घटा लेंगे, देखिए 6, और यहाँ कितना बचा, 9, और यहाँ कितना बचा, देख सकते हैं 0 5, तो ये कितना आ जाएगा, 50 56। ये दूसरा ट्रिक देख सकते हैं, 98 गुना 43 है तो क्या करेंगे, 43 ऐसे लिखेंगे और यही संख्या का 2 गुना करेंगे, 43 दुना कितना आता है, 3 दुना 6 4 दुना 8, यहाँ से घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे ट्रिक देखते हैं, नंबरों को देखेंगे जो सिंगल नंबर से 99 से ऐसे रहेगा तब मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए, यहाँ वाला पहले वाला और यहाँ लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 3 27, बीच में खाली स्थान छोड़ देना है, जितना 9 बचा यहाँ पे लिख लेना है। आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया। यहाँ भी वही करना है, पहले लास्ट वाला और पहले वाला कितना हो जाएगा, 36, बीच में खाली जगह छोड़ देना है, जितना 9 यहाँ बच गया यहाँ पे उतना 9 लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए कितना है, 4 9 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइड वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 कितना होता है, 63। अब देखेंगे जितना 9 बचा, 999, तो इस जगह 999 लिखेंगे और हमारा आंसर आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।